हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 थ्री एंजल। थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमस्कार है दोस्तों। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया, उसके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा इसने जो नया ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होगी दोस्तों, जिसमें ये बताया जाएगा कि गणपति बप्पा, गणेशा, जो फ्रेंड गणेशा होते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। आज रीडिंग में हम यही जानेंगे कि जो गणपति बप्पा हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी दोस्तों, आप सुन सकते हैं अच्छे से, और जो आपको अच्छा लगता है उठा लीजिए। द अराइवल, द बर्डन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी, पॉसिबिलिटी, लवर्स, इग्नोरेंस। यहाँ पे गणेशा आपको कहना चाहते हैं दोस्तों कि आपके जो यहाँ पे राइबल की एनर्जी निकल के आ रही है दोस्तों, तो इसमें बताया जा रहा है कि गणपति बप्पा कह रहे हैं कि तुम्हारे आगे पीछे बहुत ढेर सारे शत्रु हैं, राइबल हैं, तुम्हारे प्रतियोगी हैं, तुम्हारे तुमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं या आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इस कार्ड को, यहाँ पे गणपति बप्पा बोल रहे हैं तुमको जकड़ कर रख लिया गया है, तुमको बांध कर रख लिया गया है, तुमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है इस कार्ड से। यानी तुम्हारे बहुत ही गुप्त शत्रु हैं और गुप्त शत्रु भी हैं। आपके सामने दोस्त बनते होंगे, पीठ पीछे आपके वार करते होंगे, यहाँ पे गणपति बप्पा बोल रहे हैं। यानी बहुत बड़े 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 राइबल होंगे जो दिखाते नहीं होंगे आपको कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम्हारा मैं नुकसान चाह रहा हूँ, बल्कि दोस्त बन के दुश्मनी आपके साथ कर रहे होंगे। तो आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, और ऐसे लोगों से गणपति बप्पा बोल रहे हैं बचे रहिए, और आप अपने राइबलों से दूर रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे दूरी बना लीजिए, और आप अपने सक्सेस और सफलता को प्राप्त करते जाइए। यानी गुप्त शत्रुओं से बचिए और हार्ड वर्क करके आगे बढ़िए। यहाँ पे बर्डन यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों कि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, भार बहुत ज़्यादा है, आप अपने जिम्मेदारियों को निभाते निभाते बहुत ज़्यादा झुक गए हैं, बहुत ज़्यादा आप वीक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। यानी आपके मन में बहुत ही ज़्यादा भार हो सकता है, पारिवारिक भार हो सकता है, यहाँ पे आर्थिक भार हो सकता है, लोन हो सकता है आपके ऊपर, या तो फिर आपके पास जो कर्ज हो सकता है। यानी बर्डन है आपके, हर तरफ से बर्डन है। यहाँ पे गणपति बप्पा बोल रहे हैं कि तुम भार से बहुत लदे हुए हो, लेकिन भार से लदने का ये मतलब नहीं है कि तुम जिंदगी भर दुखी रहो, तकलीफ में रहो, बल्कि उसको उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। मुर्गा क्या करता है, रोज भाग देता है कि नहीं सुबह हो गई, नहीं सुबह हो गई। तो गणपति बप्पा ये बोल रहे हैं हर रात के बाद सुबह आती है, तो हर आप जितना आपके पास बोझ है उसको लेकर मत ढो, बल्कि उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। नया सवेरा ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जितना भी कर्ज है, कितना भी आपकी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो दूर हो जाएंगी। यहाँ पे ये गणपति बप्पा बोल रहे हैं आपके जीवन में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत ही परिवर्तन आने वाला है, बहुत ही बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। जो भी ये मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलने वाला है। यानी आपका जो व्हील है ना, जो टाइम का व्हील है, समय का जो पहिया है, वो हिल रहा है, वो भी पॉजिटिव रूप में हिल रहा है। आपका समय या जो आपके बैड ग्रह चल रहे थे वो हट जाएंगे और अच्छे ग्रह चलने शुरू हो जाएंगे।
यहाँ पर गणेशा बोल रहे हैं कि जो आपके जीवन में जो भी बर्डन थे, तकलीफें थी, जो भी दुख था, ये ब्लैक छाया जो है वो अब आपके दुख का प्रतीक है, वो दुख का प्रतीक जो है वो हट रहा है और आपके जीवन में देख रहे हैं आनंद, खुशियाँ, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे प्यार से, चाहे आनंद से, चाहे जॉय से, यानी आपके जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं, सकारात्मक चीज़ें आने वाली, वो भी बहुत तेज़ी से गणपति बप्पा बोले हैं आपके जीवन में इंटेंसिटी से आ रहे हैं, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख भाग रहा है और जीवन में सुख आ रहा है, संपत्ति आ रहा है, प्यार आ रहा है। यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, बहुत ही आप में मासूमियत है, बहुत ही आप अंदर से बच्चों जैसे मासूम हैं, तो अपना वो जो मासूमियत है वो बना के रखो, अपने अंदर वो अच्छाई और सच्चाई बना के रखो और आने वाला इन फ्यूचर तुम्हारा बहुत ही सक्सेस और सफल रहने वाला है। ये जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी और जीवन में हर तरह से खुशियाँ आएंगी, हर क्षेत्र से खुशियाँ आएंगी, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, माने आपको हर एक चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लैक रंग के बुज़ुर्ग इंसान बैठे हैं, बहुत ही सोच विचार में, लेकिन बाद में क्या है, फूल खिले हुए हैं यहाँ पे, तो यानी आपका जो जितना भी दुख कष्ट और उसका विनाश होगा और आपके जीवन में जो है खुशियों का वास होगा और आपके जीवन में अबंडेंस, सुख, समृद्धि सब आने वाला है। यहाँ आपके जीवन में गणपति बप्पा बोल रहे हैं कि बहुत इंटेंसिटी से, बहुत जल्दी से आपका कोई जीवन साथी आ रहा है, नया प्यार आ रहा है, नया प्रेमी मिलने वाला, नया पार्टनर मिलने वाला है। और अगर जीवन साथी से लड़ाई झगड़े भी हुए हैं तो आप में बहुत ही करीबता आ रही है, समीपता आ रही है, आप एक दूसरे के जीवन में बहुत बहुत मायने रखते हैं और आप दोनों को गॉड का, गणेशा का भी आशीर्वाद प्राप्त है, आप दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो सकते हैं, इतना अच्छा चीज़ आपके जीवन में आ रहा है। किसी किसी को प्रेमी मिल सकते हैं, किसी किसी को बहुत अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, आप कंपनी में भी अगर कोई पार्टनर मिले तो अगर आप उनके साथ अगर वर्क करते हैं तो बहुत ही सक्सेस और सफलता मिलेगी आपको। यहाँ पे पार्टनर की बात हो रही है, तो लाइफ पार्टनर हो या कंपनी पार्टनर हो, तो आप ज़रूर उसको एक्सेप्ट करें, वो बहुत ही आपकी लाइफ को सक्सेस और सफल बनाने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत ही बोलते ना सही, अच्छे और सच्चे इंसान हैं, बहुत ही मासूम इंसान हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और आप अगर थोड़ा सा अपना सही निर्णय लेंगे, सही चीज़ देखें, देखिए एक यहाँ पे पक्षी है, वो अपने दाना चुनने के लिए, अपने शिकार के लिए कितनी तेज़ निगाहें रखा हुआ, ठीक उसी तरह आपको सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए इस पक्षी की तरह आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी और आनंद मिलेगा, जॉय मिलेगा और आपकी लाइफ जो है, यहाँ पे सन का भी चित्र आ गया, तो आपके जीवन में मान सम्मान, नौकरी, प्यार सब मिलने वाला है, गणपति बप्पा बोल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते हैं तो आपके जीवन खुशियों से भर जाएगी, आनंद से भर जाएगा और सुखों से भी भर जाएगा। अगर ये फाइल अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय लिख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।